Ladies and gentlemen, our aircraft needs to be de-iced. Please remain in your seat with your seatbelt fastened. Following the de-icing, you may notice a smell in the cabin. This is quite normal, and the smell will dissipate quickly. हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। टाइम हो गया है 1:40। मैं हूँ इस वक्त नोवोसिबिर्स्क के एयरपोर्ट पे। क्यों हूँ, कैसे हूँ, मैं ट्रिप कर रहा था मॉस्को से व्लादिवोस्तोक ट्रांससाइबेरियन जर्नी, लेकिन मैं एयरपोर्ट कैसे आ गया, तो इसका स्टोरी मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया है। ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। मैंने नोवोसिबिर्स्क से मॉस्को के लिए फ़्लाइट बुक की है और मॉस्को से स्टेवरोपोल, तो मैं फाइनली जा रहा हूँ वापस बैक टू स्टेवरोपोल। सुबह के 5 बजे की मेरी फ़्लाइट है और अभी टाइम हो रखा है 1:42 लोकल टाइम के हिसाब से। नोवोसिबिर्स्क मॉस्को से 4 घंटे आगे है, मतलब मैं GMT+7 में हूँ और जो मॉस्को है वो है GMT+3 में। तो आप देख सकते होंगे टाइम आपको यहाँ दिख रहा होगा ना। अभी यहाँ पे हो रहा है 1:42 और मॉस्को में 9:42। अभी हम चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। सामान वगैरह, मुझे ये जो बैग है ना, ये छोटा सा जिसमें मैं अपना खाना पीने का सामान रख रहा था ट्रेन के जर्नी के दौरान, तो इसे कुछ चीज़ें मुझे फेंकनी है, इसका जरूरत नहीं है फिलहाल। और मतलब ओवरऑल इस बैग को मुझे हटाना है, जो इसका सामान है उसे ट्रॉली में डालूंगा या इसमें डालूंगा, क्योंकि एयरलाइन में 3 बैग अलाउड नहीं है, एक केबिन बैग और एक चेक इन बैग, बस यही दो। और ये है बजट एयरलाइन जिससे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। 4 घंटे 35 मिनट की जर्नी होगी यहाँ से मॉस्को के लिए, तो मैं यहाँ से निकलूँगा 5 बजे, फिर मॉस्को पहुँच जाऊँगा 5:30। आधे घंटे की नहीं है भाई, 4.5 घंटे की है, टाइम जोन की वजह से 4 घंटा बच जाएगा जो मैंने गवाए हैं ना इतने दिनों में, वो मैं वापस ले आऊँगा। तो चलते हैं एयरपोर्ट, अंदर चल के बस आपको एयरपोर्ट दिखाते हैं कैसा है। मुझे तो ठीक ठाक ही दिख रहा है। चेक इन आई थिंक 2 घंटे पहले खुलेगा, 3 बजे, और अभी तो 2 भी नहीं बजे, 1 घंटे हैं मेरे पास। भाई चेक इन जल्दी स्टार्ट हो गया, 39 पर ही हो गया चेक इन स्टार्ट। ये है और चेक इन काउंटर, लेकिन फ्लाइट डिले, तो बोर्डिंग पास ले जाते हैं फटाफट चल कर। फ्लाइट इज लेट, फ्लाइट लेट है भाई। ये अपना बोर्डिंग पास, बोर्डिंग गेट नंबर है 7, 7 नंबर। एयरपोर्ट ठीक ठाक है, ये इसका डोमेस्टिक है, जहाँ से मैंने एंट्री ली थी ना वो इंटरनेशनल था, इंटरनेशनल टर्मिनल। टर्मिनल बी सारी इंटरनेशनल है और टर्मिनल ए डोमेस्टिक है। अभी मैं गेट्स की ओर जा रहा हूँ, मेरा गेट नंबर 7 है। ट्रिप के वहीं बैठेंगे यार। सिक्योरिटी चेक, गन। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता लेट हो जाने से, वैसे भी मुझे मॉस्को में जाके वेट ही करना है। तो भाई पैदल ही ले जा रहे हैं, ये देखो हो रही अपनी एयरक्राफ्ट बोइंग 737, इधर S7 है, उधर कहीं एरोफ्लॉट भी थी। ठंडे भाई, ठंडे, मुझे पहले वाले से एंट्री करना है। Thank you.
10F. Welcome aboard this Boeing 737-800 of Provida Airlines. We remind you that this is a non-smoking plane. Bad here, man. बड़ा कंजेस्टेड होता है इसका, ना सीट रिक्लाइन होती है ना यहाँ कुछ रखने के लिए होता है, दिक्कत हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, सस्ता है तो मैनेज करना पड़ेगा। और इस बार मुझे आगे की तरफ सीट मिली है, सीट मिली क्या, मैंने खुद ही लिया है। उधर चेंज करना है भाई, दूसरे एयरपोर्ट पे फ्लाइट है, दूसरी स्टेवरोपोल के लिए। ठंड है यहाँ पे, सुबह के 6 बज रहे हैं। फ्लाइट लेट तो थी लेकिन ठीक ठाक, आधे घंटे मतलब 5:30 का लैंडिंग टाइम था लेकिन 6 बजे लैंड हुई। और चलो अभी लगेज लेना है पहले। वो एयरपोर्ट पे मुझे जाना है सेरेमेते को, वहाँ से मेरी फ्लाइट है एरोफ्लॉट की 1 बजे की 1:30 बजे की। पहले थी 3:30 की, मैंने अभी फ़ोन करके एरोफ्लॉट को रिशेड्यूल करा लिया यार, क्योंकि बहुत देर मुझे वेट करना पड़ रहा था। एग्जिट कहाँ से, तो रिशेड्यूल हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगा। और यहाँ से 2-3 घंटे में मैं वो एयरपोर्ट पहुँच ही जाऊँगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुबह के बज रहे हैं 7, मैं अगर 10-11 बजे तक भी पहुँच गया तो 11 बजे खुलेगा वो चेक इन काउंटर। मैंने ऑलरेडी चेक इन कर रखा है, बस बैगेज वहाँ जमा करना है। तो अभी निकलता हूँ मैं यहाँ से, मेट्रो लूँगा और मेट्रो से सिरमिते वो चलते हैं। वनुकोवा का मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे ही दिया है पहले, वनुकोवा एयरपोर्ट का मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा। जब मैं इससे पहले मॉस्को ट्रैवल किया था यूटी एयर से, मैंने वनुकोवा एयरपोर्ट का एक अच्छे से बताया था यहाँ से सारा ट्रांसपोर्ट। हाँ मैं आपको ये बता देता हूँ, वनुकोवा से सेरेमेते वो कैसे जाते हैं। आप यांडेक्स मैप जानते हो, यांडेक्स मैप एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करो, रशिया का एक तरह से नेविगेशन सिस्टम है वो, और बहुत अच्छा है रशिया के लिए। जब आप डालोगे वनुकोवा से सेरेमेते वो के लिए, तो उसमें सारा डिटेल आ जाएगा आपको। सो लेट्स गो, चलो फटाफट चलते हैं। ये देखो ये एरो एक्सप्रेस है, यहाँ से आपको उधर जाना है और आगे आपको बस मिल जाएगी। और सामने एयरपोर्ट है और ये एरो एक्सप्रेस का एग्जिट। तो अब जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे आपको एरो एक्सप्रेस का दिखेगा वो बिल्डिंग, आपको उसके अंदर जाना है। यहाँ से निकलेंगे और ये रहा बस स्टेशन, बाकी का इन्फॉर्मेशन आगे देता हूँ। यहाँ से 9 से 11 नंबर की बस लेनी है मुझे। ये सारा जी को यहाँ पे बस उतार दी और सामने ही मेट्रो स्टेशन, ये मॉल है और ये मेट्रो स्टेशन, यहाँ से मेट्रो लेनी है, 2 मेट्रो चेंज करके फिर वापस बस लेनी है। निकल गया मेट्रो स्टेशन से बाहर, बिश्नोई बाजार, ध्यान रखना रिश्नोई बगजाल के 2 नंबर एग्जिट से निकलना है। तो सामने ही आपको 851 नंबर की बस मिलेगी। ये देखो ये 851 नंबर की बस है जो कि सेरेमेते वो लेके जाएगी, मतलब जहाँ मैं उतरा रिश्नोई बगजाल, इसके 2 मेट्रो स्टेशन आगे जाकर जाओगे वहाँ से बस लोगे 1195 नंबर की, तो उसका फेयर है 200 रूबल्स और इसका फेयर है 50 रूबल्स। ये थोड़ा टाइम लेती है
तो मैं पहले बता दिया, वो आपकी चॉइस है आप कौन से ले रहे हो, कितना आपको हड़बड़ी है। चलते एयरपोर्ट के अंदर, स्नोफॉल हो रही है यार। स्वागत है श्री मितेबू टर्मिनल बी पर। अभी मेरे पास बहुत टाइम है, मैं पहले जाऊंगा टॉयलेट इस्तेमाल करने। अच्छा आप यहाँ से ना सारा टर्मिनल डी ई एफ सी तो खैर बगल में ही है, सारा आपस में कनेक्टेड है, तो घबराने की दिक्कत नहीं है। आप कहीं पर भी आ जाओ, वहाँ से आप जा सकते हो। हाँ तो भैया फ्रेश हो गया मैं एकदम, बाल बाल सारी सही कर लिए, अच्छा लग रहा है। तो अब चेकिंग आते हैं यार, टाइम हो गया शायद। नहीं नहीं अभी तो है यार, 40-50 मिनट और है। कोई नहीं, बैठ के कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे। They crunching the numbers, I'm thinking about young nigga got a fetish for success. If I ain't next, and I just leave impression. Next to rain, all the window pane, puffy plain Jane. Let him second guess me when a cop. यहाँ पे जितने भी एयरपोर्ट हैं ना मॉस्को में, सबसे शानदार यही है। ये तो इसका डोमेस्टिक वाला है टर्मिनल, तो इतना अच्छा है। इंटरनेशनल तो और भी अच्छा है। बोर्डिंग टाइम है 12:50, बोर्डिंग गेट है 120, बहुत गेट्स हैं यहाँ पे। 120 सीट नंबर है 16A, मैंने ऑलरेडी सीट बुक कर लिया था पहले ही। रिक्लाइनर्स दिख रहे हैं इधर, इस पर ना रेस्ट करते थोड़ा। अभी तो बहुत टाइम है बोर्डिंग वगैरह में, तो टाइम है 12:15 और 12:50 की बोर्डिंग। यही कोशिश कर रहा हूँ कि नींद ना आ जाए। बोर्डिंग स्टार्टेड। शिवा हो, चलो कहाँ चलना है, इधर ये देखो पूरा माहौल भाई, बर्फ ही बर्फ है हर जगह। ये रही अपनी एयरक्राफ्ट सुखोई SU जेट्स SU-100 सुखोई वही जिसकी फाइटर जेट आती है, वो पब्लिक एयरक्राफ्ट भी बनाती है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट। सामान रखने के लिए है एरोफ्लोट में सब होता है। Welcome on board Aeroflot Russian Airlines, a member of the international...
अभी ठंड है स्टावरोपोल में भी। यहाँ पर भी ठंड है यार। अपनी बस खड़ी है, उसमें जाना है। पहुँच गया मैं स्टावरोपोल एयरपोर्ट के बाहर, निकल गया हूँ। मेरे पीछे स्टावरोपोल एयरपोर्ट, जहाँ से मैंने ये ट्रिप स्टार्ट की थी, जो कि कंप्लीट किए बिना ही मैं वापस आ चुका हूँ। बट फॉर श्योर ये ट्रिप कंप्लीट होगा और आप लोगों तक वीडियो आएगी। आपसे बात करता थोड़ी देर बाद। तो मैं पहुँच गया अपने घर फ्लैट पे, जहाँ पे मैं रहता हूँ स्टावरोपोल में। तो ओवरऑल ये ट्रिप अभी अधूरा है, इसे मैं जल्दी ही कंप्लीट कर लूँगा, मे बी इन समर। तो आपको विंटर और समर दोनों का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको समर में जाना है या विंटर में जाना है। और मे भी हो सकता है कि आपको ये जो वीडियो आज का जो ये वीडियो ख़त्म हो रहा है ना, इसके बाद से वो वाला वीडियो स्टार्ट हो जाए ना। मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो मैं तब डालूँ जब ये सीरीज़ मैं पूरा कम्प्लीट कर लूँ, व्लादिवोस्तोक तक जो मैं ट्रांस साइबेरियन जर्नी उसे मैं कम्प्लीट कर लूँ, उसके बाद ये वीडियो मैं डालना स्टार्ट करूँ। तो बस अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ चीज़ें आपको सही लगी हो, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो ये सीरीज़ जो कंप्लीट करूँगा उसके वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको अब मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर।